8th question, a linear charge having linear charge density lambda penetrates a cube diagonally and then it penetrates a sphere diametrically as shown. What will be the ratio of flux coming out of the cube at the sphere? ये Gauss law का question है. एक होता है Gauss law. उसमें कहते हैं कि अगर कोई closed surface है, तो उससे जो flux बाहर निकलता है, वो उसके अंदर वाले charge upon epsilon naught के बराबर होता है. तो अगर आपको पता करना है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स बह के आ रहा है, बाहर निकल रहा है, तो बस आप ये देख लीजिए कि इस क्यूब के अंदर टोटल कितना चार्ज है. ये जो रॉड है, अगर इसका चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, तो क्यूब के अंदर जो चार्ज बंद है वो हो जाएगा लैम्डा इंटू ए रूट थ्री. पूरा ए रूट थ्री तो है, ये तो क्यूब की बात हो गई. लेकिन अगर आप स्फीयर की बात करें, स्फीयर पे रॉड जैसे रखी उस हिसाब से लग रहा है स्फीयर के अंदर जो चार्ज बंद है वो सिर्फ लैम्डा इनटू 2a है, बस इतना है, और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. यहां से phi1 अपॉन phi2 निकालना है, तो अगर आप phi1 अपॉन phi2 निकाले तो मैं देख रहा हूं यहां से √3/2 आ जाता है, तो √3/2 आ जाता है और सी ऑप्शन सही हो जाता है. एक बहुत अच्छा सवाल आ रहा है दिमाग में, मतलब मजा आ जाता है जब कुछ नया आइडिया आता है. क्या आप इस रॉड को थोड़ा बहुत खिसका के ऐसे सेट कर सकते हो कि स्फीयर से भी उतना ही फ्लक्स पास करे जितना क्यूब से कर रहा है? नहीं कर सकते. इतनी जल्दी ना मत बोला तो यार, बिल्कुल ही तुम तो रिव्यूज ही कर लेते हो. सवाल मेरा था कि ये रॉड को अगर हम ऊपर नीचे एडजस्ट करें तो क्या इस रॉड को हम ऐसे सेट कर सकते हैं कि स्फीयर से और क्यूब से बराबर बराबर फ्लक्स जाए? तो आप देख रहे हैं कि क्यूब के अंदर जो रॉड की लेंथ है वो a रूट थ्री है, तो आप इस रॉड को अगर थोड़ा सा ऊपर उठा दें, अभी तो ये लेंथ नो डाउट 2a है, लेकिन अगर आप रॉड को थोड़ा सा ऊपर उठा दें तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं कि ये लेंथ a रूट थ्री हो जाए. एक्चुअली a रूट थ्री इज स्मॉलर देन 2a है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. तो आप दोनों का फ्लक्स इक्वल भी कर सकते हैं. अच्छा, और मजेदार बात मैं बताऊं, इसमें अगर ये पूछा जाए तो मुझे बहुत मजा आएगी कि हम इस रॉड को कितना ऊपर शिफ्ट कर दें सो दैट स्फीयर और क्यूब से बराबर फ्लक्स जाए. तो अगर आपको ये डिस्टेंस आपको रूट थ्री बाई टू चाहिए, यही तो चाहिए, और ये x आपको निकालना है, और बाकी ये डिस्टेंस, ये तो a है ही, सॉरी a कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस नहीं, ये वाली डिस्टेंस, आई एम सॉरी, ये जो मैंने अभी अभी पेन से बनाया है ये a है और ये रूट थ्री बाई टू ए है, तो x आ जाएगा a बाई टू. तो अगर इस रॉड को a बाई टू ऊपर खिसका दें तो स्फीयर और क्यूब से बराबर फ्लक्स भी जा सकता है. बहुत अच्छी बात, बड़ी. अच्छा, इसका उल्टे सवाल का जवाब बताइए, बड़ा मजेदार सवाल है कि यहाँ पे आप इधर डिस्टर्ब नहीं कर सकते, इधर जो है वो है. अब आप इधर इस रॉड को ऐसे सेट करिए कि दोनों से फ्लक्स बराबर पास कर ले, फिर ना कर दिया इतना. अच्छा, एक बार और बोल रहा हूं, ये वाला डायग्राम आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते. आप इस रॉड को चाहे जैसे टेढ़ा मेढ़ा सीधा वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे चाहे वैसे कर सकते. एक बात बताओ, ये जो सरफेसेस होती है वैसे भी इमेजिनरी सरफेस होती है, तो इमेजिनरी सरफेस के अंदर किसी चीज को चाहे जैसे रखो वो मान लो, तो इस रॉड को हम कैसे रखते हैं, कैसे सेट कर दें कि दोनों से पास करने वाला फ्लक्स इक्वल हो जाए? ये नहीं हो सकता, क्योंकि रॉड की आपको 2a लेंथ इसके अंदर लानी पड़ेगी, और रॉड की मैक्सिमम लेंथ जो इसके अंदर हो सकती है वो a रूट थ्री हो सकती है. तो ये वाला सवाल नहीं किया जा सकता.